हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे चैनल पीएम रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आप लोग को बहुत पसंद आने वाली यह रेसिपी है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लोग बच्चों के टिफिन में या सुबह शाम के नाश्ते में भी बना के खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना देख लेते हैं। तो यहाँ पर रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैं मसाले देख लेती हूँ कि यहाँ पर मैंने मसाले क्या लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं, ये खटाई मसाला है। यहाँ पे मैंने लिया है ये एक से हमारी कटी हुई बारीक मिर्च है, ये लाल मिर्च पाउडर है, सबूत जीरा है, यहाँ पे हल्दी पाउडर है, ये चाट मसाला, ये गरम मसाला, यहाँ पे नमक लिया है स्वाद अनुसार। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मसाले हैं। आप इस मसाले में से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको चटपटा खाना पसंद है। इस रेसिपी को आप लोग उतना चटपटा बना के खा सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए और मैंने क्या लिया है वो भी देख लेते हैं। तो इस रेसिपी में डालने के लिए मैंने ये दो वेजिटेबल्स लिए हैं। यहाँ पे हमारे ये बैंगन है और ये तोरी, जिसको मैं नेनुआ बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे सबसे पहले हमें ग्रेट कर लेना है। तो चलिए, इसे मैं इस ग्रेटर से ग्रेट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से हमें ग्रेट कर लेना है। तो चलिए, बैंगन और इन दोनों सब्जी को मैं अच्छे से ग्रेट कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बैंगन को और ये तोरी को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो आज की रेसिपी जो बनने वाली है फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी बनने वाली है या हर किसी के सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि मैंने इसमें हरी सब्जियाँ ऐड कर रही हूँ और इसके साथ जो भी मैं ऐड करूँगी वो सब हेल्दी है शरीर के लिए। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को देखने के लिए फुल वॉच करना, तभी आपको इस रेसिपी का फायदा मिल पाएगा। तो चलिए, इसके लिए और आगे क्या लिया वो देख लेते हैं। अगली चीज़ मैंने यहाँ पे लिए है, पके चावल है फ्रेंड्स। तो ये हमारे एक कटोरी है, लगभग ये 100 ग्राम चावल होगा। तो इस चावल को मैंने कुक करके ले लिया है ठंडा करके। अभी मैं इस चावल को इस मिक्सी जार में ऐड कर दूँगी। तो चलिए, इसे ऐड कर लेते हैं। अब इस चावल में थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी, लगभग ये 5 से 6 चम्मच, और इसे मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट इसको हमें नहीं तैयार करना है, बस इसे मुझे ग्राइंड करना है। तो चलिए, ग्राइंड करके आगे देखते हैं। तो यहाँ में मैंने पके चावल को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से हमें ग्राइंड करना है, बस इसके छोटे छोटे भाग हो जाएँ। बहुत ज़्यादा हमें इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, तो इस तरह से हमें पीस लेना है। तो चलिए, इसको मैं वेजिटेबल्स में ऐड कर लेती हूँ जो मैंने ग्रेट किए हैं। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स के साथ में चावल को ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग अपने पसंद की सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको सब्जी पसंद है। अब मैं इसके साथ जो ये मसाले लिए थे, सारे मसाले मैं इसके साथ ऐड कर देती हूँ। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी यहाँ पर ये बेसन, ये आधा कप है, इसको भी इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके साथ मैंने लिया है सेम आधा कप ये सूजी है, इसको भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और इसी के साथ मैंने लिया है एक कप ये चावल का आटा है, इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब सभी चीज़ को हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद मैं आगे क्या करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें इसे अच्छे से मिला लेना है सभी चीज़ को। तो चलिए, इसे मिला के हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी चीज़ को अच्छे से मिला दिया है और ये हमारा अच्छे से बढ़िया डो बन गया है। तो हमें इसी तरह से डो इसको बना लेना था। तो हमें इसमें एक भी पानी नहीं लगा, आप लोग देख ही लिया। तो वेजिटेबल्स भी हमारी ऐसी थी जिसमें पानी छोड़ता है, और नमक डालने के बाद भी ये थोड़ा सा और गीला हो गया। और इसमें मैंने 2 चम्मच से 3 चम्मच तक डाल दूंगी तेल, तो इससे हमारा नाश्ता थोड़ा क्रिस्पी बनेगा। और ये हमारा डो बनके अच्छा से तैयार हो गया है नाश्ता बनाने के लिए। तो चलिए, अब मैं नाश्ता बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं तेल को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमें सारा चीज़ मिक्स करने के बाद, जब मैंने इसमें जो नमक ऐड किया और जो भी वेजिटेबल्स लिया है, थोड़ा हमारा ये पानी छोड़ रहा है, थोड़ा गीला हो रहा है। तो इसमें मैं एक कप तक और चावल का आटा ऐड कर देती हूँ, ताकि ये अच्छे से
डो बने और रेसिपी बनाने के लिए अच्छे से बन सके। तो चलिए इसे मैं मिला लेती हूँ इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो बनके तैयार हो गया है नाश्ता बनाने के लिए। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल लगा के इसको सॉफ्ट कर लिया है, तो ये हमारा आटा एकदम से सेट हो गया है। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं मैं नाश्ते को। तो अभी मैं थोड़ा सा इसमें से डो लूँगी और इस तरह से मैं इसको गोल करूँगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से पहले हमें गोल कर लेना है। तो जितना बड़ा आपको नाश्ता बनाना है आप उसी तरह से इसको कर सकते हैं। और उसके बाद हमें ये गोल करके इस तरह से सर्किल में इसको यहाँ से ज्वाइंट कर देना है। तो ये बिल्कुल एकदम रिंग की तरह बन जाएगा, जैसे हम लोग हाथ में रिंग पहनते हैं, तो उसी तरह से हमें इसे बनाना है। और फिर रिंग से बनाने के बाद इसे हमें थोड़ा सा ऐसे हाथ से प्रेस करते हुए इसको दबा देना है, क्योंकि मैं इस नाश्ते को बहुत कम तेल में बनाऊंगी। अगर ये ऊपर से उठा रहेगा तो ये हमारा रेसिपी अच्छे से नहीं पक पाएगी, तो इसलिए मैं बहुत ही कम तेल में इस रेसिपी को बनाऊंगी, ताकि इसका ये भाग नीचे तली में दबा रहेगा तो अच्छे से पक जाएगा। तो इस बात को हमें ध्यान देना है बनाते वक्त फ्रेंड्स, नहीं तो हमारी रेसिपी अच्छे से तेल में नहीं पकेगी। तो ये देखिए इसी तरह से हमें बना लेना है। तो चलिए इसी तरह से सब मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे रिंग्स रोल बना के तैयार कर लिए हैं, तो हमारे सारे बन गए हैं। तो चलिए मैं चलती हूँ गैस की तरफ, इसको मैं तल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस को ऑन कर दिया है और तेल हमारा पैन में मैंने डाल दिया, अच्छे से गर्म हो गया है। तो ये देखिए हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बस जितने रिंग है इसमें नीचे का भाग इसमें डूब जाए बस उतना ही हमें डालना है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, मैं सारे रिंग को इसमें डाल देती हूँ। जितनी बार में रिंग जितना आता है उतना ही हमें इसमें पैन में डालना है। तो चलिए जितने रिंग आते हैं उतने मैं डाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं सारे रिंग को इसमें डाल दी हूँ तेल में। एक तरफ ये ब्राउन हो जाएगा, फिर मैं दूसरी तरफ इसको पलट दूंगी। तो चलिए ब्राउन होने तक इसको मैं वेट करती हूँ। तो एक तरफ से हमारे सारे रिंग ये ब्राउन हो गए हैं, मैं इसे पलट देती हूँ। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, तो गैस को मैंने मीडियम पे रखा है। एक तरफ से हमारे सारे ब्राउन हो गए हैं, चलिए इसे मैं पलट लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे रिंग को पलट दिया है, एक तरफ से ब्राउन हो गया, दूसरी तरफ से भी ब्राउन हो जाएंगे। तो मैं इसको जो है एक बार दो बार ऐसे अलट पलट के हमें पका लेना है एक से दो बार, ताकि अच्छे से पक जाए। और गैस को भी बिल्कुल एकदम मीडियम पे हमें रखना है। तो चलिए इसे एक से दो बार इसे मैं पलट के अच्छे से पका लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये कुरकुरा नाश्ता एकदम से बन के तैयार है गर्मा गर्म। तो आप लोगों ने देख लिया कि इसे बनाना कितना ही आसान है। आप लोग इसे सुबह शाम के नाश्ते में कभी भी अपने फैमिली के साथ बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप लोग को कैसे लगी? अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लोग किसी भी अपने मनपसंद खट्टी मीठी चटनी या नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।